भारत में सब्जियों की पॉलीहाउस खेती लोकप्रियता प्राप्त कर रही है क्योंकि यह मौसमी बाधाओं को तोड़ने में मदद करती है और उच्च गुणवत्ता वाली उपज और कम भूमि से शुद्ध आय प्राप्त करने में भी मदद करती है। लेकिन परपरागित सब्जियों जैसे लौकी, खरबूजे और खीरे जो परागण के लिए मधुमक्खियों पर निर्भर करती हैं, को पॉलीहाउस में उगाने के लिए परागण एक प्रमुख चुनौती है। चूंकि पॉलीहाउस के अंदर के परागण के लिए आवश्यक कीट उपस्थित नहीं होते हैं, इसलिए फल बनने के लिए हाथ से परागण आवश्यक है, लेकिन यह अधिक मेहनत और समय लेता है। यूरोप और अन्य शीतोष्ण देशों में पॉलीहाउस में परागण के लिए भौरों का उपयोग किया जाता है, लेकिन वे प्रजातियां भारत में मौजूद नहीं है और जैव विविधता की दृष्टि से विदेशी प्रजातियों का आयात वांछनीय नहीं है। इसलिए ये आवश्यक है कि पॉलीहाउस परागण के लिए देशी परागक कीट प्रजातियां की पहचान की जाए। इस उद्देश्य के लिए भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु ने दो देशी मधुमक्खी प्रजातियों भारतीय मधुमक्खी एपिस सेराना और डंक रहित मधुमक्खी टेट्रागोन्युला इरिडिपेनिस का उपयोग करने के लिए एक प्रौद्योगिकी का मानकीकरण किया है। इस प्रौद्योगिकी में पॉलीहाउस की दीवारों पर एक मधुमक्खी के बक्से को इस तरह से रखना शामिल है कि आधा बक्सा पॉलीहाउस के अंदर मुख्य प्रवेश द्वार के साथ और आधा बक्सा पॉलीहाउस के बाहर हो। इन बक्सों में दो प्रवेश और निकास रखे गए हैं ताकि मधुमक्खियां किसी भी दिशा में आ और जा सकें। जब फूल आना शुरू होने वाला हो तब इन बॉक्सों में छत्ते लगाना चाहिए। डंक रहित मधुमक्खी के मामले में बॉक्सों को फसल के ऊपर से लटकाना पड़ता है। यह देखा गया है कि कामगार मधुमक्खियों ने ककड़ी, तरबूज और तुरई के नर और मादा दोनों फूलों का दौरा किया और परागण में मदद की। पॉलीहाउस के अंदर मधुमक्खी परागित फसलों से प्राप्त उपज और फल की गुणवत्ता खुले खेत की खेती की तुलना में बेहतर थी। उदाहरण के लिए भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित तरबूज किस्म अर्का सिरी के फलों का औसत वजन 1.6 किलोग्राम था और अधिकतम 2.6 किलोग्राम था। तुरई के मामले में 85 सेंटीमीटर तक लंबाई वाले तुरई प्राप्त हुई और फल आने का प्रतिशत 92 था, जिसके परिणाम स्वरूप खरबूजे की 50 टन प्रति हेक्टेयर और खीरा में 80 टन प्रति हेक्टेयर की उपज हुई, जो खुले मैदान की तुलना में 2.5 गुना अधिक है। मधुमक्खी परागण के माध्यम से प्राप्त फलों का वजन और गुणवत्ता मानकों में हाथ परागण से प्राप्त फलों के समान थे। एक एकड़ के लिए भारतीय मधुमक्खी के 6 छत्ते या बिना डंक वाली मधुमक्खी के 12 छत्ते की आवश्यकता होती है। इसमें लगभग 24,000 रुपए की लागत आई, लेकिन उपज में वृद्धि, श्रम लागत में कमी और शहद की उपज से मधुमक्खियों रखने की कीमत का 8 गुना आय प्राप्त हुई। यह प्रौद्योगिकी पॉलीहाउस के तरह परागण की मुख्य चुनौती को दूर करने में मदद करती है। आर्थिक और अन्य लाभों को ध्यान में रखते हुए यह किसानों की आय को दुगना करने की दिशा में एक सटीक विकल्प हो सकता है।